समझ में आया थोड़ा थोड़ा, कह दो कौन बनेगा कि बाबा साथी हमारा कौन बनेगा। आज तुम ना सुनोगे तो क्या बात है, ये बात तुम ना सुनोगे तो कौन। कहा गया कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं। अरे पराए भी अपने हो जाते हैं जब चार पैसे काम सिर्फ वही आएगा हारे का सहारा। बाबा श्याम कहना आज ऐसा कोई नहीं बैठा दरबार में जिसके जीवन में इतनी सी भी परेशानी ना हो। सबके जीवन में परेशानी है, इसके दरबार में मुस्कुरा रहे हो। बाप से कहना जगत का बाप बैठा है, बाबा पानी है सर से ऊपर मुसीबत, बोलो पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़े और बाबा है। आज हमको तुम्हारी क्या बात है, फिर से आज हमको तुम्हारी। और इतनी देर से ताली बजाने को बोल रही थी, ऐसे बाहें फैला लो बाबा के सामने। अरे अपने हाथ से हाथ पकड़ना मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। इन प्रेमियों ने आज कीर्तन कराया ना, एक बार अपने बाप से कहना बाबा साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुने, तुम ना सुनोगे तो कौन सुने। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। देखो आपकी छोटी बहने भैया हम माध्यम बने आज आपको बाबा से जोड़ने के। मैं अर्जी लगाऊंगी आपके संकट बाबा हर ले, लेकिन दोनों हाथ उठा लो, सिर के ऊपर हाथ उठा लो, ताली बजा के एक दो तीन बजा। कह दो अभी हमने जब पूछा कि कौन कौन बाहर से आए हैं तो बहुतों के हाथ ऊपर थे, आधे से ऊपर प्रेमी बाहर से आए हैं। जो बाहर से आए हैं वो स्पेशली बाबा के दरबार में गा देना कि बाबा आ गया दर पे तेरे सुनाई, बोलो आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की। बाबा क्या बात है, जिंदगी से दुखों की। और बाबा ये प्रेमी इतने भाव से भजन सुना रहे हैं, आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा अलग ही मिजाज में बैठा है भजन सुनने के। और मुझे ये भी विश्वास है कि आपका पड़ोसी अगर आपसे बोलेगा ना कि चल घर चलते, तो अगर उसकी इजाजत नहीं होगी वो भजन सुनना चाहेगा तो कोई नहीं उठा सकता आपको इस जगह से। बाप से कहना, अपने सरकार से कहना बाबा एक नजर कृपा की करना मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा। तुम्हें ना सुनोगे तो मैं हर जगह कीर्तन में जाती हूँ, एक बात जरूर कहती हूँ कि सुनने वाला बैठा है सुनाने वाला चाहिए, सबके सुनेगा। लेकिन दोनों हाथ उठा लो, दोनों हाथ उठा लो, ये लकीरें खोल के ताली बजा के तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुने, तुम्हें ना सुनोगे तो कौन सुने। जाए जाए।
मत सोचना कि पीछे बैठो कोई नहीं देखेगा, कोई देखे ना देखे बाबा सबको देखेगा। और जो जो भजन सुनाने आए हैं ना, कलयुग में सबसे आसान तरीका भगवान को रिझाने का वो है भजन सुनाना। कलयुग में सबसे आसान तरीका होता है, सारे मिलकर गा देना, पूरा पांडाल गूंजना चाहिए। मेरे सर पे सदा तेरा, ओ मेरे सर पे सदा तेरा, ओ खाटू, इधर वालों, ओ खाटू वाले तू हमेशा मेरे। जिसे जिसे इसका साथ चाहिए दोनों हाथ उठा लो, जिसे जिसे इसका साथ चाहिए। बाबा अगर तेरा आशीर्वाद इन सब पे बन जाएगा तो इन सब के वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, जैसे दीपक और ज्योति साथ रहे, जैसे दीपक और ज्योति साथ रहे, खाटू वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे, नीले वाले तू हमेशा मेरे साथ रहे। जय हो। इसके चौखट की सेवा करोगे तो क्या कहोगे? मुझसे मत कहो, उससे कहो, करोगे नहीं करोगे? आप उससे ये बोलो कि बाबा मुझे इस लायक हमेशा समझना कि तेरे चरणों की सेवा मैं करता रहूं, क्योंकि ओ जब तक सांसें चलेगी, जब तक सांसें चलेगी तुझको